मोबाइल फोन्स की वजह से जो डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आप बताइए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आप बात कर रही हैं कि फ़ोन यूज़ जो है एक्चुअली ये मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा रेज कर रहा है, और उसके साथ साथ जो है डिवोर्स रेट, ऑफ कोर्स नाउ पीपल कैन रीच एनी बडी आउट देयर। आप जब देखते हैं सोशल मीडिया, आपका इतना फुल ऑफ लाइफ नज़र आता है आपको, तो आपको वो घर में बैठी हुई एक बोरिंग औरत जो बच्चों के साथ सारा दिन बेचारी गुजारती है, यू डोंट लाइक दैट पर्सन बहुत सारे टाइम पे। क्योंकि मैं क्लिनिक के ऊपर इसी तरह इसके पेशेंट्स जो हैं वो क्लाइंट्स जो हैं वो डील कर रही होती, पेशेंट्स तो नहीं क्लाइंट्स डील कर रही होती हैं कि जब आपकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर ओन पार्टनर हैज़ रिड्यूस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि जी आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया, आप इतने खूबसूरत लोग जो हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखते हैं, एंड देन यू आर जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ बहुत सारी चीज़ों की होगी। एंड देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बहुत सारी फीमेल्स जो हैं व्हेन दे गेट मैरिड, तो एक बहुत जो बड़ा अक्सर मैं एक फैक्टर रिपोर्ट होता हुआ सुनती हूँ, वो ये है कि जी मेरी बीवी जो है, जो कोई भी हमारी प्राइवेसी की भी इवन बात होती है, शी टॉक्स अबाउट दैट टू हर मदर, यानी घर वालों को पीछे फैमिली को सारी चीज़ें जो है पता होती हैं। इस फ़ोन ने चीज़ें आसान तो बहुत ज़्यादा की हैं, बट एट द सेम टाइम इसका मिसयूज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आता है। जी आपकी बात बिल्कुल सही, क्योंकि पहले जितनी भी शादियाँ होती थी, जब ये फ़ोन वाला सिस्टम नहीं होता था, चिट्ठियों वाला होता था, दूर दूर शादी ब्याह के लड़कियाँ जाती थी गाँव में किसी शहर में, तो वहाँ पर इतना कनेक्शन नहीं होता था, वो घर बसे हुए होते थे। अब ये घर बसना मुश्किल हो जाता है। एक कॉल आपसे बात करना कोई चाह रहा है, हसीब साहब हैं, सैयद हसीब कराची से। जी सैयद हसीब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आपके शो की मैं बहुत तारीफ करूंगा, और आपने जो शो का जो फॉर्मेट रखा है बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि मैं पहले और भी चैनल के मैं शो देखता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ आपका चैनल करके फोन से आपका शो देखता हूँ। आप एक बहुत अच्छा शो कर रही है, अल्लाह ताला और इससे मैं आपको तरक्की दे। सुन, खुश कर दिया आपने ये बोल के हमें। ये पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या मियाँ अपनी बीवी का फ़ोन और बीवी अपने मियाँ का फ़ोन चेक कर सकते हैं? इज़ दैट राइट रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं फिज़ा। पहला तो एस्पेक्ट ये है कि हर इंसान की ना एक पर्सनल स्पेस होती है। पर्सनल स्पेस का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें दैट बिलोंग टू मी ओनली, आप उसके अंदर अगर घुसेंगे ना तो चीज़ें ख़राब होंगी। अब है क्या, उसमें मोबाइल एक चीज़ है, मेल और फीमेल दोनों को ही समटाइम्स ये लगता है कि जी वो मोबाइल जो है वो चेक कर लें अपने पार्टनर का, उसको देख लें उसमें क्या है, और उसकी वजह से अक्सर होता है, लेट्स से कि आप या मैं ही हूँ, मुझे किसी का कोई मैसेज आया है, मगर उसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ मुझे पता है कि ये मैसेज क्यों आया है और कहाँ से आया है, क्या चीज़ें चल रही हैं, बट अगर आपका स्पाउस उस मैसेज को देख लेता है तो उसको वो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, उसको सिर्फ वो मैसेज पता है कि ये मैसेज आया, और उसकी वजह से एक रॉन्ग स्टोरी जो बिल्डअप हो सकती है, एंड देन इट गेट्स इनटू अ वेरी डर्टी थिंग। कभी कभी ये भी होता है डॉक्टर साहब कि अगर अपनी कोई बात, ये डर नहीं है कि हमने तो कोई बुराई ना ससुराल की है ना मियाँ की है, वो देख ले, इसका खौफ नहीं होता औरत को? समटाइम्स ये भी खौफ होता है कि उसकी किसी बहन ने अपने मियाँ की कोई बात कही है, या अपने कोई प्रॉपर्टी की या पैसों की या कैश की किसी चीज़ की कोई ऐसी बात कही है जो शेयर उसको सिर्फ बनाया है, राजदार बनाया है कि बात तुम तक है, बाकी भाई बहनों तक भी नहीं है मेरी कोई ऐसी बात, या कोई अपनी पर्सनल कोई ऐसी प्राइवेसी वाली बात, या कोई लड़कियों की आपको पता है ऐसी सीक्रेट्स बात भी होती है जो विच इज हैज टू बी सीक्रेट विद टू सिस्टर्स टू फ्रेंड्स, अगर वो चीज भी अगर मियां देख ले तो फिर क्या तासुरात होंगे? आप बहुत ये मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं आपकी, और शक मुफ्त का होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से दिस इज वन ऑफ द आप कह सकते हैं कि लीडिंग फैक्टर भी है कि आप एक दूसरे का मोबाइल चेक किया, वो स्टोरी फैब्रिकेट होती रही कि ये पता नहीं किससे बात करती या करता है दोनों ही, और फिर आप उसको चेक करने के लिए बार बार उसके फोन में घुसते हो, और फोन के ऊपर आपका कंट्रोल ये नहीं है कि मुझे सिर्फ नोन लोगों ने मैसेजेस करने हैं, या मुझे सिर्फ मेरे जो वेलविशर्स हैं उन्होंने मैसेजेस करने हैं, मुझे कोई भी मैसेज कर सकता है जिसके पास मेरा कॉन्टैक्ट, और सोशल मीडिया के ऊपर तो कॉन्टैक्ट की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी मैसेज कर सकता है। सो एक्चुअली तीन चार चीज़ें मैं ये समझती हूँ कि वो आपकी बड़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं, एक तो आपके पासवर्ड्स,
आपके बैंक के पासवर्ड अनटिल अनलेस आपने उनको शेयर किया हुआ ऑलरेडी आपकी अंडरस्टैंडिंग होते हैं। एक और चीज़ है आपके पासवर्ड, आपका मोबाइल और जो आपकी कुछ पर्सनल, बड़ी पर्सनल, आपका स्पेशली जो आपका चाइल्डहुड या आपका पास्ट जो होता है, ये बड़े पर्सनल चीज़ें होती हैं। यू डोंट नीड टू शेयर इट विद एनीबडी। एनीबडी का मतलब नोबडी, किसी के साथ भी आपको इसको शेयर नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पुरसकून रहे तो प्लीज़ लोगों को थोड़ा सा उनका पर्सनल स्पेस दीजिए, जिसमें लोगों में ख़ासतौर पे आपकी वाइफ और आपका शोहर आता है। जब आप उनके मोबाइल उठा उठा के चेक करने की कोशिश करते हैं ना, एक कुरान में भी एक आयत है कि जब आप जिस चीज़ की तलाश में आप निकल जाते हैं वो आपको मिल जाती है। जब आपके दिमाग में एक कीड़ा चला जाता है तो फिर आप कहीं ना कहीं उसके कनेक्शन बनाते बनाते वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड आपने क्योंकि खुद ही दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट की हुई है तो वो आपको वहाँ तक ले जाएगी।